हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की जयंती 5 अगस्त को होती है और इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक जो होता है यह ऐसा मार्गदर्शक होता है जो प्रारंभ से ही, जैसे पौधा होता है, पौधे को जिस ओर मोड़ो उसी ओर वो जाता है। प्रारंभ से ही यह जो शिक्षा लेता है, बड़े से बड़े महापुरुष, विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट वगैरह जो भी बनते हैं वह सब किसी न किसी गुरु के, किसी न किसी शिक्षक के माध्यम से ही बनते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही बनते हैं। यह जो गुरुजन की परंपरा है आदि अनादि काल से चली आ रही है। गुरुकुल हुआ करते थे हमारे भारत में, जो शिष्यों को बहुत बेहतरीन शिक्षा देते हैं। वर्तमान में आधुनिक युग में जैसी भी शिक्षा है उस तरीके से आधुनिक ही विद्वान तैयार होते हैं। इनमें आज आर्य समाज संस्था लला बाजार की ओर से 10 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उनमें सरला शर्मा, पंडित जागेश्वर निर्मल जी, दादी चंद्रा देवनानी, निर्मला हुल्दानी, पुष्पा चतवानी, शारदा शर्मा, ज्योति तोलानी, जसोता लालवानी, ये प्रमुख है। 11 शिक्षकों को सम्मानित किया, 1-2 को उनकी अनुपस्थिति में भी उनको उनके निवास तक सम्मान पहुंचाया गया है। यह जो परंपरा है, हम चाहते हैं कि गुरुजन भी विद्यार्थियों के साथ, शिष्यों के साथ ऐसा आचरण करें कि उनकी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, देश का भविष्य देखते हुए, बच्चों का भविष्य देखते हुए उनका उचित मार्गदर्शन करें। और बच्चों को, छात्रों को भी आज के दिन हम ये कहना चाहेंगे कि गुरुजनों का, बड़ों का आदर सत्कार करें, क्योंकि जो कुछ सीखने को मिलेगा उनके माध्यम से मिलेगा। अन्यथा वह जो अगर गुरुजन का सामना करेगा, उनका विरोध करेगा, तो उनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है। ऐसा उदाहरण हमारे सामने होता है। तो गुरुजनों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, सत्कार करें, और शिक्षक दिवस पर हम सब शिक्षकों को, गुरुजनों को अपनी ओर से, आर्य समाज संस्था नला बाजार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।